तो उन्होंने एक बात बोला, क्रिकेट तो है ही, मतलब ये समझो कि वो तो है ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। और जब फोकस है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि खाली होल्डिंग लगाया ऑन पे चुका, वो देखो ऑन पे चुका होल्डिंग, ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कुछ 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 ऐसे चीज है जैसे सर ने बोला कि आज तक दुनिया में हुआ नहीं है, वो भी होने वाला है। तो वी हैव टू बी सुपर डुपर डुपर एक्साइटेड। मुझे तो वो आदमी लोग पे ये होता है, बहुत सारे लोग, सब लोग अच्छा चीज देखने का, अरे इसमें तो अभी बताया ही नहीं है, जुलाई में बोला था, जून में बोला था, अरे हुआ ही नहीं है। बस क्या प्रोग्रेस होता है, क्या प्रिपेरेशन होता है, और कुछ ऐसा चीज जो इतना डिफरेंट है। और अगर खुद एज सर उसके बारे में बात कर रहे हैं, एप्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सोचो आज तक वो बात नहीं किया, और वो टॉपिक को जब भी हटाते थे, अगर वो टॉपिक पे डिस्कस करके एन अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट दिया। अभी मेरे को लोग ने बोला सर यहाँ पर कॉस्ट भी बताया, देखो अभी मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, एक ही सेंटेंस में बताऊंगा अप्रोक्सीमेटली अपना जो कॉस्ट है, वो पहला जो रहेगा पैकेज, वो 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा, और उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट $125 के आसपास होगा, ये उन्होंने बताया आसपास होगा। और दूसरा बात ये समझने का, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पैसा है वो उसमें एडजस्ट होगा। तो आप समझो आपको क्या भरना है, ये है, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर ऐसा होता है कि आगे जब एक्चुअल होएगा तो बोलेगा अरे वहां बोला था ऐसा होगा, यहाँ बोला था ऐसा होगा। प्लीज एज सर अगर बोलते हैं तो उस पर ज्यादा फोकस मत करो, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो वो बोला था कि बॉस लीव इट ऑन मी, तो हमको उस पर भरोसा करने का है तो करना है, क्योंकि वो आदमी एक्चुअली जन्म इसलिए लिया है कि हमारे सेवा करे, कम्युनिटी को लिफ्ट करे, हमको भी पावरफुल करे। जब भी मैं ऑन पैसिव में ज्वाइन हुआ था तो मेरा मिशन विशन इतना बड़ा था ही नहीं, क्योंकि मेरे को बिलीफ ही नहीं था कि ऐसा कोई आदमी आएगा और हमको एक ऐसा व्हीकल देगा। आप देखेंगे कि दोनों मीटिंग में अगर देखा तो पीछे कार का ये लगा है, वो कार इज ऑन पैसिव। हमारे पास जो व्हीकल है वो सबसे पॉश व्हीकल है, सबसे स्विफ्ट है, सबसे लेटेस्ट है, और ऐसा व्हीकल आपको दिया है, और आप वो व्हीकल को कहां भी घुमा सकते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑन पैसिव है तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। आपको समझ के शॉक हो जाएगा कि हम लोग ऑन पैसिव कर रहे हैं, लेकिन ऑन पैसिव के थ्रू आप मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो, आपका सपना जो है वो साकार कर सकते हो, आपका छोटा सा जो एक सोच था उसको बहुत बड़ा बना के ऑन पैसिव का सिस्टम, ऑन पैसिव का टूल्स, ये सारे कुछ लेके आप धमाका कर सकते हो, और ये धमाका बहुत होने वाला है, बिकॉज पीपल हु आर एंटरप्राइजिंग, पीपल हु आर टुगेदर, पीपल हु थिंक अलाइक, और उनका जो एक माइंड में रहता है चीज को, अगर उसको करना है तो वी हैव गॉट अ व्हीकल, अपने पास एक व्हीकल, मतलब अपने पास एक जरिया है विच इज ऑन पैसिव, जो हमारे सारे सपने को पूरा कर सकता है। एक तो यहाँ से तो हैगा, पेट के खाने वाले बहुत है, अगर सर हमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है सर, कुछ मत करो, लेकिन अगर आपको सब कुछ मिल रहा है उसके ऊपर, अगर हमको भगवान ने इस धरती पे लाया है और एक कुछ पर्पस ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे जाने से पहला मेरा कुछ ना कुछ फुटप्रिंट छोड़ना है, तो एक ऑन पैसिव ऐसा व्हीकल है जो आपको एक पूरा रास्ता दे रहा है, पूरा मंजिल कवर करने के लिए, आपका गोल करने के लिए। नो व्हीकल कैन बी मोर पावरफुल देन दैट, ये आपको समझना चाहिए। और अभी अपना कठिन परीक्षा का टाइम आ गया है, बिकॉज व्हाट विल यू डू, मतलब अगर आपके पास सारा कार्यक्रम चालू होता है, इनकम भी स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद स्टेप क्या है, उसके बाद स्टेप अपना बहुत बहुत इंटेलिजेंटली हमको सोचना है, और साथ में रहेंगे। कम्युनिटी का फायदा यह होता है कि अगर 4-5 जन है, 10 जन है, 20 जन है, कलेक्टिवली मिलकर कुछ सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, क्योंकि अभी अपना कम्युनिटी इतना बड़ा हो गया है, कोई अपना इच्छा जाहिर करता है कि अरे मेरे सर मेरे माइंड में ऐसा है और ऐसा है, तो बोले चलो आ जाओ, जूम में आ जाओ, वो कनेक्ट में आ जाओ, मीटिंग लेते हैं, किसी का इंटरेस्ट लेके साथ में डाल के, कोई बहुत बड़ा चीज जो हम दुनिया को कुछ इच्छा होता है, मेरे को किसी को मदद करने का इच्छा होता है, या फिर कोई तकलीफ में है, या फिर कोई इंटेलिजेंट आदमी है उसके पास जबरदस्त आइडिया है, ये सारा कुछ हम लोग वो कर सकते हैं। ओ ब्लेस पे बहुत ज्यादा फोकस करके लोगों को ये धारणा है कि ओ ब्लेस मतलब सीधा लेने का पैसा और गरीब को दे देने का, ओ ब्लेस ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को लगता है ये इतना छोटा नैरो माइंड है, नहीं, ओ ब्लेस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। वो अपना कंस्ट्रक्टिव आइडियाज जिसके पास भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, या कोई कॉज रहेगा, उसको कैसे मदद करने का, वेरी सिंपल में अगर मैं समझाने जाऊं तो, अगर ओ ब्लेस सबको लगता है कि सब लोग को एक एक मच्छी फ्राई करके देगा, उसका पेट भर गया, आपको दिल में खुशी होगा, दिल में खुशी तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओ ब्लेस में ऐसा है कि आपको जाली देगा, या मच्छी पकड़ने का तार देगा, उसको कैसा घुमाने का, या जाली कैसा फेंकने का,
जाली का कितना बड़ा होना चाहिए, ये सारा चीज ओब्लेस स्पॉन्सर करेगा और उसको एक दिन का पेट भरने के लिए नहीं, उसको जिंदगी भर पेट भरने का एक ऐसा साधन देगा, ऐसा सिस्टम देगा या ऐसा माहौल बनाएगा कि वो रोज का रोज खुद से ही अपना पेट भरे और ये सारा सिस्टम उसको दे। तो डोंट थिंक दैट ओब्लेस इज जस्ट सिस्टम जहां पर अपन, उन्होंने बताया रेड क्रिसेंट, रेड क्रॉस इसके साथ सब टाई अप किया है। हमारा पास बहुत विजन और मिशन प्लस अपना वर्क, मुझे मालूम है कि एक बार ये सिस्टम, अभी 3 महीना क्यों दिया है, 3 महीने का क्या है सर, 3 महीना दिया आपको ही फायदा है, प्लस 3 महीना तक अपने सिस्टम में जो होगा नए लोग आएंगे तो वो जो सिस्टम होगा वो स्मूथ होगा और 3 महीने के बाद हम लोग एकदम परिपूर्ण होएगा फाउंडर्स लोग और अपने पास इतने सारे लोग रहेंगे तो आपको उसके बाद का महीने का जो भरने वो सेल्फ फंडिंग सिस्टम में चला जाएगा। तो आपके लिए वो जो सोचते हैं वो एज सर बहुत डीपली सोचते हैं। किसी ने उनको बोला था वो ट्रिपल आईडी का क्या सिस्टम है, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्लियरली उन्होंने बोला रहेगा, लेकिन मैं तो बोलता हूँ प्लान और उसका डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिजल्ट जब भी आएगा, आउटपुट आएगा, आपको समझ जाएगा कि कितना डीप है, डेप्थ है। हम लोग को उनका अगर सोच इतना पावरफुल है, हमारे बारे में सोचते हैं और कंटिन्यूसली यही बोला है कि वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होगा विच इज लेजिटिमेटली अलाउड, मतलब लीगली अगर अलाउड है वो हम लोग वो ऑफर करने का, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू कीप एनीथिंग, वी जस्ट नीड मनी टू कीप रन अवर बिजनेस, बिजनेस रन करना तक को उनको पैसा रखे, बाकी सब सिस्टम में देने वाला है। और उन लोग हमको टूल्स दिया है, देखो मैं इंडस्ट्री में बहुत सालों से हूं और बहुत सारा कंपनीज में किया, हमने हम फंस भी गए, अच्छा भी किया, बुरा भी हुआ, सब कुछ होता है। लोग डेडिकेटेड रहता है, नेटवर्कर लोग डेडिकेटेड रहता है, लेकिन कंपनी में प्रॉब्लम हो गया, लोचा हो गया तो कंपनी तो भाग गई, लेकिन वो जो नेटवर्कर है उसे मेहनत किया उसका पूरा पानी में तो गया ही है, प्लस उस पे बैकलैश होता है, क्या क्या बात करता है, सब कुछ होता है। लेकिन इंटेंशन बहुत सारे लीडर्स लोग है, बड़े लीडर्स का भी एकदम क्लियर होता है, उनको भी लोगों को हेल्प करना है, मदद करना है, गाइड करना है, लेकिन खुद का गाड़ी का टायर पंचर है तो उसको कहां दूसरे का गाड़ी को वो चलाने की बात कराएगा, वो कितने सालों से, कितने महीने से ऐसे खड़ा है तो वो दूसरे का गाड़ी का क्या क्या बात कर सकेगा, ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, पिछले मेरे लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इतना ग्रोथ, मतलब ये तो मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। अगर एज सर खुद बोल रहे हैं कि मैं लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हुआ, अगर इतना बड़ा हुआ है और 1000 times मिलियन टाइम्स अपना वो चीज बढ़ गया है, तो बट ऑब्वियसली अंदर कुछ ना कुछ एक्टिवेशन में, कुछ चेंजेस में कुछ भी होगा, अभी कुछ ना कुछ तो होता है तो थोड़ा सा डिले तो होता है, और ये डिले को हमको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर सबसे एकदम लोग जो काम छोड़ के बैठे हैं, सर पे हाथ रख के बैठे हैं, नहीं भाई अभी तो ऑन पेस्यू आने वाला है, उसके बाद अपन राजा है तो अभी काम क्यों करने का, दुकान बंद करो, नौकरी पे क्यों जाने का, जो चालू धंधा है वो बंद करो, काम नहीं ढूंढने का, ये सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनको लगता है कि अरे भाई हम लोग करें क्या। देखो अपना पर्सनल चीज रख के अगर एक आदमी उसका पर्सनल प्रॉब्लम सब छोड़ के दुनिया के बारे में सोचता है, उसका वाइफ, उसका नया बच्चा जो हमारे आंखों के सामने हुआ है, उसको कम टाइम देके ये बिजनेस को लगातार बार बार 5-5 घंटा 7-7 घंटा हमारे साथ बैठ के डिस्कस करके, क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड करके, अपना कंपनी में टाइम देके खुद का वो डिसीजन लेने का रात भर दिन भर, ये आदमी जो कर सकता है तो आप लोगों को भी अपना थोड़ा सा नींद उड़ा के आपने किया। मेरे को मैसेजेस आता है सर अभी तो 2-2.5 साल हो गए, क्या हो रहा है, मतलब 2-2.5 साल से मैं वेट कर रहा हूँ। मतलब उसने क्या किया है कि अंदर डाल दिया $100 और वेट कर रहा है कि बॉस अरे बारिश कभी होगा। एक्चुअली जो इन्वॉल्व हुआ है, जिसको मालूम है और कितना विशाल हो गया, हमको जरा माइंड अपना दिल का जो परिवर्तन हो गया, वो सारे लोगों को खुशी है। और आज का दो मीटिंग के बाद तो बहुत सारा हिंट मिला और ये हिंट से एक्चुअली मैं भी खुश हूँ, नहीं तो मैं